चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में लगातार मॉनसून एक्टिव है, लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, उमस की, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि पंजाब के कई जिलों में बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक किस तरह से जो ह्यूमिडिटी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर होती है तो मॉनसून जो है वो इसका मतलब एक्टिव है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से रहने वाला है और किस तरह से जो मौसम में बदलाव होगा। हमारे साथ डायरेक्टर मौसम विभाग सुरेंद्र पॉल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुरेंद्र जी, क्योंकि मॉनसून एक्टिव है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, हालांकि की जाती है कि जो है अलर्ट जारी भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो बारिश जो है वो नहीं हो पा रही। देखिए, ह्यूमिडिटी का मतलब उमस जो है बेसिकली तब होती है जब बारिश कम होती है या अच्छी बरसात नहीं होती है। और मॉनसून जैसे भी चल रहा है वो थोड़ा सा कमजोर दशा में चला हुआ है और उतनी अच्छी बारिश जितनी होनी चाहिए थी हो नहीं रही है। और 2 से 3 दिन यही कंडीशन बनी रहेगी, जैसे बारिशें हो रही हैं, स्कैटर्ड रेनफॉल हो रही हैं, बिल्कुल गिनी चुनी जगह बारिशें हो रही हैं, उससे तापमान में तो बढ़ोतरी नहीं है लेकिन उमस उससे बढ़ रही है। लेकिन अभी 28-29 के आसपास ऐसा लग रहा है कि मॉनसून में कुछ परिवर्तन आएगा और जो एक कमजोर मॉनसून का सिलसिला बना हुआ था उससे कुछ रिलीफ मिलेगा और पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसी तरह से चंडीगढ़ में भी चांसेस है कि कुछ रेनफॉल हो जाएगा। अभी 2 से 3 दिन जो है यही संभावना है कि जो नॉर्थ हरियाणा है, नॉर्थ पंजाब है, वहां पे पहाड़ों के साथ कुछ बारिश होगी, बाकी एरियाज में ज्यादा संभावना नहीं। सर, कारण क्या होता है, क्योंकि मॉनसून एक्टिव है जैसे आपने बताया, लेकिन मॉनसून कमजोर, उसके कारण क्या होते हैं? अगर एक तो यही है कि जो बंगाल की खाड़ी जो है वो इस साल जो है उतनी एक्टिव नहीं है, जहाँ क्योंकि वहां से मॉनसून की जो हवाएं लगातार आती रहती हैं एक के बाद एक, तो उसमें कुछ इस साल जो है कमजोरी देखी गई है। हवाएं बहुत तेज नहीं है, बहुत बड़े साइज की नहीं है और दूसरे पश्चिम विक्षोभ भी साल उतने पर्याप्त नहीं है जितने पिछले साल से। तो ये 2 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से मॉनसून अभी तक थोड़ा सा कमजोर पड़ा हुआ है। लेकिन ये लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कुछ मॉनसून बेहतर रहेगा और हालात जो है ठीक हो जाएंगे। सर, ह्यूमस जो है वो ऐसी ही बनी रहेगी, अगर बात करें ह्यूमिडिटी जो है, अगर नहीं बारिश अगर लगातार होगी जैसे संभावित है 28-29 में, तो ह्यूमिडिटी में कुछ जो अंतर आ जाएगा उसमें भी कुछ उससे कुछ रिलीफ मिलेगा और बारिश के बाद तापमान भी बढ़ जाते हैं और ह्यूमिडिटी जो है वो जो है काफी कम भी हो जाती है बारिश होने के बाद, तो ये परिवर्तन जो है जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें सर आने वाले समय में, क्योंकि मॉनसून कब तक एक्टिव रहने वाला है और किस तरह से संकेत किए जा रहे हैं? देखिए, मॉनसून सितंबर और इवन अभी तो अक्टूबर में भी फर्स्ट वीक में चला जाता है, तो अभी 2 महीने तो मॉनसून रहने की संभावना पूरी है और उसके बाद फिर जो है अक्टूबर में रहता है नहीं रहता है वो खैर उस टाइम थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे, लेकिन अभी 2 महीने तो मॉनसून पर्याप्त है और बारिश भी जो अच्छी होने की। सर, जैसे आपने बताया कि पंजाब के या फिर हरियाणा के कई जो जिले हैं जो पहाड़ों से सटे हैं, वहां पर हैवी रेन की जो अभी तक, देखिए वहां पे हैवी रेन तो नहीं मैं कहता अभी 3 दिन, लेकिन ये है कि मॉडरेट रेन रहेगी वहां पे, बारिश कुछ इलाकों में रहेगी। और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ ओकेजनल शावर कोई हो सकता है, वही संभावना है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी है कि एंड जुलाई में 28 के बाद जो है सिचुएशन कुछ बेटर होगी। तो बिल्कुल जैसे सर ने जानकारी दी, हालांकि मॉनसून कहीं ना कहीं थोड़ा सूना है लेकिन ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा राहत जरूर मिलने वाली है। 28 अगर हम बात करें 28-29 को कुछ मानसून में तब्दीली होगी, बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब के कई जिलों की बात करें, हरियाणा के कई जिलों की बात करें, लेकिन इस बार अगर हम देखा जाए तो कई ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो मानसून है वो कमजोर है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी उमस जो है वो बहुत ज्यादा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सनप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18।